यहाँ पे किसी की खोपड़ी पड़ी हुई है, खोपड़ी का पूरा जानवर ही पड़ा हुआ है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और होप करता हूँ अच्छे होंगे मेरी तरह। तो गाइज आज ही मेरे चैनल जाट बुद्धि की पहली वीडियो है। तो गाइज देखते हैं कि किस तरीके से चैनल ग्रो करता है, और आपका प्यार रहा तो चैनल बहुत ग्रो करेगा, क्योंकि मेरे आइडियाज बिल्कुल डिफरेंट होने वाले हैं और बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल चैनल होने वाला है। आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दूं पहले ही, इसमें हम बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल वीडियोस करेंगे। जो आप कमेंट्स करेंगे उनके भी रिप्लाई में हम वीडियोस बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आज की वीडियो की। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पहली वीडियो जाट बुद्धि चैनल की। तो यार मेरे ने नाना जी का घर है ना, वो 3 साल से बंद था, कोई आने वाने वाला नहीं था, मतलब कोई आता रहता नहीं था, जिस वजह से ना यहाँ पे काफ़ी अबेंडेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब मैंने क्या सोचा ना, हमारी जाट बुद्धि है, अब कुछ ना कुछ तो खुराफात ही आएगा। तो मेरे दिमाग में क्या है, यहाँ पे एक लाइट पड़ी थी, इसी वजह से ही वाली। अब यहाँ पे यार कुछ भी हो सकता है, सांप वगैरह भी, कि ये जंगली इलाका है, चमगादड़ वगैरह तो नहीं है, जैसे कि देख सकते हैं आप। वैसे जंगली इलाका प्रॉपरली हम वैसे उठाने जा रहा हूँ, तो गाइस लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि हम आपके लिए रिस्क लेते हैं बहुत तगड़े वाले। कोई सांप वगैरह तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे है, पर तब भी डंडे से एक बार चला के देख लेते हैं, कोई सांप वगैरह होगा तो डरेगा वो और हम भी। तो गाइस यहाँ पे किसी की खोपड़ी पड़ी हुई है, खोपड़ी का पूरा जानवर ही पड़ा हुआ है, कंकाल मतलब। यार यहाँ पे लेने के आए थे और मिल के आ गया। यार सीरियसली डर लग रहा है यार बहुत ज़्यादा, देख सकते हैं आप, अगर आपको दिख रहा हो वीडियो में तो उसके दांत दिख रहे हैं शायद आपको। इसको उठाते हैं बाकी लाइट को, मुझे लग रहा है इस जानवर की मौत इसी लाइट के नीचे दबकी हुई है, क्योंकि ये लाइट ना पहले ऊपर की तरफ थी यहाँ पर ये ना मैंने खींची तो ये नीचे आ गई। बाकी फ़ोन बैटरी कितनी है? तो गाइस जल्दी से उठाते हैं इसे, क्योंकि फ़ोन में बैटरी कम है। यार डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत हैवी लाइट है यार, ये सब कुछ हिल रहा है यहाँ पे। सांप वगैरह तो यार नहीं लग रहा मुझे, मुझे कोई सांप वगैरह होता तो एटलीस्ट भागता। मेरे को कुत्ते की हड्डियाँ लग रही हैं ये, पता नहीं यार क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी बॉडी पड़ी हुई है। सुनो यार ये हमारा काम नहीं है। पहले यार इस जगह पे ना आज से 25-30 साल पहले जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे ना यार, वो गाय भैंसे वो थी पाला करते थे। सीरियसली गाइस काफी डरा हूँ मैं। देखिए गाड़ी इतना बाहर ले आया, इसे देखता अभी खोल के क्या इसके अंदर। बाकी यार यहाँ पे पता है एक इंडिगो खड़ी हुई है, यही मेरे मामा की गाड़ी है और काफ़ी दिन से अबेंडेंट खड़ी है। तो देखते हैं इसके अंदर में क्या मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे खोल खोल के स्टार्ट करा करके देखूँ कि स्टार्ट होती है नहीं होती, कम से कम 10 साल से गाड़ी ऐसी खड़ी हुई है, अगर आप चाहते हैं मैं इसे स्टार्ट करके देखूँ तो गाइस कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, मेरी पहली वीडियो है, थोड़ा प्यार दें। चलो आगे देखते हैं वीडियो में क्या है। फिर आज की वीडियो में हमें एक जो आपने देखी होंगी पुराने ज़माने में लाइट आती थी बड़ी बड़ी लगी होती थी हेलोजन वाली, उसमें सड़कों पे, आज हमें वो लाइट मिली है तो हम सब खोल खाल के देखेंगे क्या उसमें मिलता है। गाइस सॉरी फॉर द नॉइस यार ये लोग। तो हाँ कंटिन्यू। तो गाइस आज उसे खोल के देखेंगे, पर उससे जहाँ से मेरे को उठाना था वो था मेरे नाना जी का घर। तो उसे ढूंढते ढूंढते हमें मिल गई एक कुत्ते की खोपड़ी, जो कि शायद उसी लाइट के नीचे दब के मरा था। तो ये हॉन्टेड भी हो सकती है लाइट, बाकी खोल खाल के देखते हैं। हमें जाट बुद्धि अपनी है तो खोल के देखेंगे, जो भी रिस्क होगा लेंगे। और आप देखें करें सिनेमैटिक शॉट एंजॉय। तो भाई ये देखो लाइट वाइट को तो मैंने कर लिया बिल्कुल साफ। अब आते हैं उस मोमेंट पे जिसका आप सबको इंतजार होगा, तब से जो इसको खोलना इसमें क्या निकलता है। तो
गाइस मैं भी थोड़ा डरा हुआ हूँ, तो मैं इसका मुंह दूसरी तरफ करके खोलूंगा। अभी हो सकता है सांप वगैरह कुछ हो, ऐसा ग्लास ही बहुत गंदा हो रहा है। तो भाई इसके अंदर साफ वाप तो नहीं है, इस तरीके का मैकेनिज्म है इसके अंदर, बता नहीं मुझे इसके अंदर क्या क्या है। का मैकेनिज्म इसके अंदर है, ये है हमारी, ये वो पार्ट है यहाँ पे बल्ब लगता है आपका, एक्चुअली यहाँ बल्ब लगता है, यहाँ लिखा है मेड इन चाइना कॉपर MH लैंप कॉपर ब्लास्टर, मतलब ये कोई ब्लास्टर वगैरह है इस वाले लैंप को ऑन करने के लिए। मैं सोच रहा हूँ इसे यहाँ से खोल के ना इसके अंदर एक नॉर्मल 200 वाट का बल्ब लगा दूँ, जो हेलोजन वाला बल्ब आता है, ताकि फ्यूचर तक का इसके अंदर ये लैंप वैम्प का सारा चक्कर खत्म हो जाए। तार इसके यहाँ से काटे हुए हैं, काफ़ी हैवी लाइट होती है यार ये, इसमें दो तार हैं पता नहीं क्यों। रीबिल्ड करेंगे इस लाइट को, गाइस देखते हैं लाइट, लाइट ने क्या हाल कर दिया इनका, कि गर्म होती है लाइट बहुत ज़्यादा, तो ये बिल्कुल काला हो चुका है यहाँ से। दूसरे वाले को भी निकाल लेते हैं, ज़रा तार नहीं निकल रहा है, कोशिश करता हूँ इसको ट्राई करने की कि निकल जाए। मैं ऑफ कैमरा ट्राई करता हूँ कि एक हाथ से नहीं निकल रहा। तो गाइस ये लाइट पूरी खुल गई है यहाँ पे, और ये हमारे भाई बिल्कुल दोस्त आ गए हैं यहाँ पे। हाँ तो ये लाइट मैंने पूरी खोल ली है, ठीक है, इसका कवर वो पड़ा। अब मेरे को यार इसके अंदर अभी तो कुछ नहीं मिल रहा, अभी तक के लिए वीडियो को सही तक ही रखते हैं, बाकी जब इसको रीबिल्ड करेंगे वो पार्ट टू में आएगा, इसको रीबिल्ड करके मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर। तो गाइस जो रीबिल्ड वाला पार्ट है मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा, इसके सेकंड पार्ट में, ये इसका फर्स्ट पार्ट, तो सेकंड पार्ट के लिए तैयार रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वरना आपको सेकंड पार्ट की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, और बेल आइकन को भी दबा लेना। प्यार बनाए रखना, आपके लिए वीडियो आती रहेंगी, कभी नहीं रुकेंगी। चलो गाइस मिलते हैं मेरी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।